चलो जी। आ हा, चलो भाई करेंगे शुरू। हो गया मैडम खा के? दीदी बात फोन रख दो अंदर। तो इसके पहले कौन सा लेक्चर हुआ था? अबे येड़ो इसके जस्ट पहले जेएचईएल का हुआ था क्या? हमारे गांव का लड़का आ गया अभी, चालू कर सकते। जेएचईएल हुआ था क्या? कितने बजे था? कितने बजे तक था? 12:15 तक था ना? मैंने मुक्के मारने हैं, मोदी सर 12:15 बजे नीचे थे, झूठ नहीं बोलना। 12:15 तक था ना? मतलब अभी आधे घंटे का ब्रेक हो गए फिर? अबे येड़ो 12:15 होने आ गए, काहे ऐसा कर रहे हो बेटा, काहे ऐसा कर रहे हो? Why you doing like this to me? चलो भाई ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से चैट में गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लिंक तो बेटा ग्रुप पे लिंक आ जाएगा, काहे चिंता करते हो बेटा? नजर वजर कोई ना लगाएगा, पेंसिल गिर रही है। मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा, सारे बच्चे किताब लेके आए हो क्या? नहीं, अरे नई मतलब न्यू वाली, नई नहीं बोल रहा हूं, पक्का? तुम क्या चाहते हो, मैं तुमको गोद ले लूं तब लेकर आओगे? चलो भाई तब तक बच्चे आने दो। क्लास की परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन के हिसाब से क्या करेंगे, सबसे पहले 10 मिनट में अभी तक जो भी देखा उसको रिवाइज करेंगे। और आज बेटा अपना पहला लेक्चर है, कौन सा बेटा? जिसमें हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्या किया था बेटा? बकर। मैं नहीं बोल सकता, कल हमने क्या किया था बेटा? बकर किया था। क्या किया था बेटा? बकर। इनिशियल कुछ वर्ड्स मैच हो गए ना? चलो ठीक है। और आज हम लोग एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, बोलो हाँ है ना? चलो भाई कल हमने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं मैं? एफएम का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट, कितने मार्क्स का वेटेज? लेकिन पढ़ना पूरा है क्या? क्या 40 मार्क में थ्योरी भी आने वाला है? मैंने मुक्के मारने हैं। क्या 40 मार्क में प्रैक्टिकल भी आने वाला है? अब ध्यान से देखो, एफएम का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है बेटा? शेयर होल्डर्स वेल्थ को, अगर शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज काहे करना है मुझे? एफएम का अल्टीमेट पर्पस है, बोलो हाँ है ना? अब अगर मेरे को फाइनेंस नहीं आता है तो मेरा कंपनी में एक ही रोल रह जाएगा, दैट इज कंप्लायंस वाला। कौन सा बेटा? कंप्लायंस वाला। लेकिन अगर मैं फाइनेंस लेकर जाता हूं तो क्या मुझे टॉप पोजीशन पर जाने का अथॉरिटी मिलेगी? कंपनी के टॉप पोजीशन पे, बोलो हाँ है ना? अब इसके बाद ध्यान से देखो, अगर मुझे शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे 3 मेजर डिसीजन लेने पड़ते हैं, बोलो कौन से? फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब क्या? पैसा कहां से आएगा और किस कॉस्ट पर आएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब पैसा कहां पर मैं लगाऊंगा, जहां पर भी मैं पैसा लगा रहा हूं मुझे रिटर्न कैसा चाहिए, कम से कम की ज्यादा से ज्यादा, बोलो हाँ है ना? और इसके बाद डिविडेंड डिसीजन मतलब क्या होता है, जो भी प्रॉफिट मैंने कमाया, मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं बेटा? दो ऑप्शन। क्या दो ऑप्शन होते हैं बोलो? एक तो मैं अपने पास पैसा क्या करके रखूं, रिटेन करके रखूं, दूसरा मैं क्या करूं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बांट दूं। बोलो क्या करूं बेटा? बांट दूं। क्या सर दोनों में कुछ ना कुछ तकलीफ है? बोलो अगर मैंने पूरा का पूरा डिविडेंड बांट दिया तो मेरे शेयर होल्डर आज के तारीख में तो खुश हो जाएंगे, लेकिन क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो कर पाएगी? बोलो लॉन्ग टर्म में ग्रो कर पाएगी क्या? दूसरा सर, अगर आज मैंने लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए सारा का सारा पैसा रिटेन करके रख लिया तो क्या लोग मेरे कंपनी के शेयर बेच बेच के निकलेंगे? क्यों निकलेंगे? बोलेंगे यार दूसरी वाली तो ज्यादा दे रही है, डिविडेंड की बात कर रहा हूं, दूसरी वाली तो ज्यादा डिविडेंड दे रही है, बोलो हाँ ना? तो आप उसके पास जाओगे कि नहीं जाओगे? मन ललचाएगा कि नहीं ललचाएगा? तो आपको क्या करना चाहिए? बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए कि कितना डिविडेंड मेरे को देना है और कितना पार्ट अपने पास रिटेन करके रखना है, बोलो हाँ है ना? एफएम की बात चल रही है बेटा। किसकी बात चल रही है? एफएम की बात चल रही है। अब ध्यान से देखो,
सबसे पहले जो हमको चैप्टर पढ़ने हैं बेटा हमारे सिलेबस में, ये बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन वाले। कौन से बेटा? फाइनेंसिंग डिसीजन वाले। फाइनेंसिंग डिसीजन का सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? नाम देखकर बताओ बेटा। कैपिटल स्ट्रक्चर। सर क्या डायरेक्टली हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करने वाले? द आंसर इज नो। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर ही आप देखोगे ना, ओल्ड सिलेबस में मॉड्यूल में लेवरेज एक अलग से चैप्टर हुआ करता। न्यू सिलेबस में उन्होंने क्या करा है ना, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसी के अंदर चैप्टर के अंदर ही एक सब पार्ट बना दिया है। किसके नाम का बेटा? लेवरेज के नाम का। किसके नाम का बेटा? लेवरेज के नाम का। तो आज हमको ऑफिशियली ये जो लेवरेज चैप्टर है इस चैप्टर की शुरुआत करनी है। बोलो हाँ है ना। तो सारे बच्चे नई नई कॉपी निकालो और उस पर हेडिंग डाल दो। क्या हेडिंग डालोगे बेटा? लेवरेज। क्या हेडिंग डालोगे बेटा जी? लेवरेज। क्या? कौन सा फोटो? नहीं क्या वो छपाएंगे? वो कैसा, थोड़ा प्लान में चेंज रहने का, अर्जेंट ना, बुक पहले छप जाती। क्या होगा बेटा? बड़ी छपाएंगे बेटा, और नीचे तुम सबके फोटो ऐसे कार्यकर्ता में ऐसे लगाएंगे, ठीक है? क्या ऐसे सबके फोटो लगाएंगे कार्यकर्ता में, सब अलग अलग जगह पे देखने का, क्योंकि अगर कार्यकर्ता वाले सब लोग एक जगह पे देखे तो फोटो सिंक्रोनाइज नहीं लगती, सबने अलग अलग देखने का। क्या बेटा कितने बच्चे हैं जो मुझसे ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजंस पढ़ चुके हैं? मतलब आज का लेक्चर आप सब लोगों को हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपको आएंगी, बिकॉज आज प्राइमरीली अपना इनकम स्टेटमेंट पर ही डिस्कशन रहने वाला है। लेकिन जो नए बच्चे उनको बोलने का मौका देना, ठीक है? मैंने मुक्के मारने? अबे उन्होंने भी फीस भरी है रे। क्या मतलब तुमको क्या लग रहा है? तुम बोलोगे अरे सर हम तो बहुत भारी है, हम जवाब देंगे और नए बैच वाली जितनी भी लड़कियां उनको इंप्रेस कर लेंगे कि देखो मैं कितना स्मार्ट हूं, मुझे पहले से सब आता है, कुछ नहीं आता सालो तुम पढ़ के बैठे हो। चलो भाई ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार सारे के सारे वीडियो को लाइक कर देंगे। अरे नहीं नहीं मैंने मुक्के मारने हैं, वीडियो को लाइक कर दो और समझा दो। लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं तो यही चीज को ध्यान में रख के पढ़ाऊंगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। बोलो हाँ है ना। रजिस्टर निकाल लो बेटा नया सा, एक बार दिखा दो सारे बच्चे नई नई कापियां। क्या कापी की बात कर रहा बेटा? तेरी बात नहीं कर रहा। लाए क्या बुक? वेरी गुड। कि पलटा के क्या दिखा रहा? मेरे को भरोसा नहीं होता क्या? हाँ वो तो कैसा, अभी 3 महीने साथ में बिताने हैं तो वो सब पहले दिन जान लोगे क्या? पहले दिन बहुत कुछ जानना भी हानिकारक होता है, ठीक है? क्या कौन? मैं नहीं मानता। चलो करेंगे क्या शुरू? ध्यान से देखो चैप्टर शुरू करेंगे अगले 1 घंटे तक, ध्यान दो। देखो 12:20 हो गए, मैक्सिमम 1:30 बजे तक लूंगा, उसमें भी तुमको पता है आखिरी के 10 मिनट तो रिवीजन ही चलता, मतलब 1 घंटा इज्जत से पढ़ना है। अब जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको तरीका तो पता है, नई बच्चों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? बेसिक जानेंगे। एक बार बेसिक से सारे बच्चे कंफर्टेबल हो गए, फिर उसी में से एक लेवल अप, उसी में से एक लेवल अप, उसी में से एक लेवल अप। अब मेरे को कैसा समझेगा तुम कंफर्टेबल हुए क्या? जवाब देने का, चिल्लाने का, ऐसा चिल्लाने का, ये जो माइक है इसमें तुम्हारी आवाज वैसे भी कम आती लेकिन तुम अगर चिल्लाओ तो ऐसा क्या लगता? नहीं नहीं माइक की बात नहीं कर रहा, अगर तुम चिल्लाओ तो ऑनलाइन वाले बच्चों को भी क्या लगे, मतलब क्या ही समझ रहे हैं ऑफलाइन वाले बच्चों को, ठीक है? सारे बच्चे ऑनलाइन एडमिशन कैंसिल करके ऑफलाइन आने चाहिए, क्योंकि हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? तो सोचेंगे भी किसकी? बोलो हाँ है ना, समझ में आया क्या? चलो भाई करेंगे चैप्टर का डिस्कशन शुरू। सारे बच्चे सेटल हो गए?
अब ध्यान से देखो, चैप्टर का डिस्कशन जो अपने को स्टार्ट करना है ना, सबसे पहले हम लोग इनकम स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। किससे बेटा? इनकम स्टेटमेंट से। सबसे पहले बताओ, क्या बचपन में, बचपन मतलब हमारा फर्स्ट सेकेंड वाला बचपन नहीं है, हम कॉमर्स वाले बचपन की बात करेंगे, ठीक है? क्या बचपन में आपने प्रॉफिट का फॉर्मूला सुना है? प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है पता है क्या आपको? कैसे निकालता हूं मैं प्रॉफिट? सारे बच्चे बोलोगे प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? सर मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस करता हूं तो मेरा प्रॉफिट आता है क्या? मतलब मान लो अगर हमने किसी साल में 1,00,000 का सेल्स किया, कितना सेल्स किया बेटा? और हमने 1,00,000 का सेल्स करने के लिए 80,000 की कॉस्ट लग गई, कितनी बेटा? हमने सेल्स कितने का किया? सारे बोलो बेटा, हमने सेल्स कितने का किया? और कॉस्ट कितनी लगी बेटा? तो हमने प्रॉफिट कमाया कि घाटा किया? कितना प्रॉफिट कमाया? कितना प्रॉफिट बेटा? अब ये सबको पता है? सबको पता है क्या? अब ये तो बात हो गई बेटा पहले साल की। दूसरे साल में क्या हुआ ना, सेकेंड ईयर में मैंने सेल्स किया 2,00,000 का। कितना सेल्स किया बेटा? लेकिन 2,00,000 का सेल्स करने के लिए मेरी जो ओए चुप हो जाओ, 2,00,000 का सेल्स करने के लिए कॉस्ट कितनी लगी है मुझे? 2,40,000। 2,00,000 का सेल्स करने के लिए कॉस्ट कितनी लगी बेटा? फायदा हुआ है कि घाटा हुआ है? कितना घाटा? 40,000। क्या हुआ है बेटा मुझे? लॉस हुआ है क्या? अब आप मुझे सोच समझ के बताओ, मेरा एफएम का अल्टीमेट पर्पस क्या है बेटा? हाउ टू मेक शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स को मुझे अगर देना है तो मैं दो चीजें दे सकता हूं। क्या क्या दे सकता हूं बेटा? डिविडेंड, और एक तो शेयर का प्राइस बढ़ा के, बोलो हाँ है ना? अगर मुझे डिविडेंड बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? प्रॉफिट। अगर मैं घाटा कर रहा हूं तो क्या मैं अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं? मतलब अगर मुझे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है तो क्या मुझे प्रॉफिट कमाना ही पड़ेगा? तो ये चैप्टर में हमारा पर्पस प्रॉफिट रहेगा। क्या रहेगा बेटा पर्पस? प्रॉफिट। बिकॉज अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं तो मेरा शेयर होल्डर्स वेल्थ क्या होता रहेगा? मैक्सिमाइज होता रहेगा। बोलो हाँ है ना? मतलब इन शॉर्ट आप मुझे बताओ कि अगर मुझे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट या अगर मुझे कैलकुलेट करना है लॉस, तो मुझे दो चीजों को कंपेयर करना पड़ता है। किन दो चीजों को कंपेयर करना पड़ता है बेटा? सेल्स को किससे कंपेयर करना पड़ता है? कॉस्ट से। बोलो हाँ है ना? सबसे पहला सिनेरियो, अगर मेरा सेल्स कॉस्ट से ज्यादा है, अगर मेरा सेल्स कॉस्ट से क्या है बेटा? ज्यादा है, तो क्या होगा मुझे? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर वन में समझा था क्या? सेकेंड केस में अगर मेरा कॉस्ट इज मोर देन द सेल्स, ठीक है, अगर मेरा कॉस्ट किससे ज्यादा है बेटा? सेल्स से ज्यादा है, तो मुझे फायदा हुआ कि घाटा हुआ? लॉस हुआ। और मुझे शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है तो हमेशा के लिए मेरी क्या उम्मीद रहेगी बेटा? फोन चलाना तो उम्मीद नहीं रहेगी, मेरी उम्मीद क्या रहेगी बेटा? प्रॉफिट कमाना। क्या उम्मीद रहेगी बेटा? प्रॉफिट कमाना। मम्मी जी को मेरा प्रणाम बोलना बेटा, ठीक है? मम्मी जी से बात कर रहा था ना? क्या क्या जस्ट अ फ्रेंड से? अच्छा, मतलब होने वाले बच्चों की मम्मी से? क्योंकि अगर खुद की मम्मी से नहीं कर रहा दूसरा को इंपॉर्टेंट इतना होना भी नहीं चाहिए, ठीक है? बोलो, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या दो चीजें कंपेयर करूंगा मैं? सेल्स और कॉस्ट को। अगर मेरा सेल्स कॉस्ट से ज्यादा है तो क्या होएगा? और अगर मेरा सेल्स कॉस्ट से कम है तो क्या होएगा? ये इक्वेशन सब में क्लियर है क्या? अब ये तो बेटा हमने आज से पहले इक्वेशन सीखा था बचपन में। कब सीखा था बेटा? बचपन में। अब आते हैं थोड़ा थोड़ा एफएम में। किस में आते हैं बेटा? एफएम में। सबसे पहले आप मुझे बताओ, अपने यूनिक अकेडमी की बात करते हैं, ठीक है? तुमने बैठ के कैलकुलेट तो करते ही रहोगे, इतने बच्चे, एक बच्चे की फीस इतनी, ऑनलाइन में इतने बच्चे, इनकी फीस इतनी, करते हो कि नहीं करते हो? बस वही चीज मैं करता था, इसके लिए मैं यहां पे हूं। कसम से बेटा मत किया करो, वो सब बातें काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। बहुत गरीबी है बेटा। क्या? अरे नहीं है बेटा। क्या? अरे नहीं नहीं, वो ऊपर ऊपर का ही है। अब ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले बात करेंगे यूनिक अकेडमी की।
आप मुझे बताओ, सबसे पहले हम सेल्स माइनस कॉस्ट करते हैं तो क्या आता है, मेरा प्रॉफिट आता है। अब मैं आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताऊंगा। किसका फॉर्मेट? इनकम स्टेटमेंट का। इनकम स्टेटमेंट में मेरा सबसे पहले क्या आता है? सेल्स। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आता है? सेल्स। हमको पता है हम सेल्स में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा? प्रॉफिट। क्या आएगा बेटा? प्रॉफिट। लेकिन कॉस्ट बिना बेटा दो तरीके की होती है। सारे बच्चे बोलो, कॉस्ट कितने तरीके की होती है बेटा? दो तरीके की होती है। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, आप यूनिक अकेडमी की बात करो, ठीक है। यूनिक अकेडमी में आप बताओ कि सेल्स तो हमारा यही हो गया, हम जो आपको ऑफलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं वो हमारा रेवेन्यू हो गया, ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं वो रेवेन्यू हो गया, बुक सेल करते हैं वो रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू पे जाओ ही मत, उधर मत जाओ, छोड़ दो वो, कॉस्ट पे आओ। किस पे आओगे बेटा? कॉस्ट पर। अब आप मेरे को बताओ यूनिक अकेडमी को क्या क्या खर्चे लगते होंगे, एक एक करके खर्चे गिनाना चालू करो बेटा। अरे असेट की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, कॉस्ट की बात कर रहा हूं। क्या लाइब्रेरी तुमको नहीं लिया बेटा, गोद बस लेने की बात कर रहा था मैं। एक काम करो, चार चार बच्चों का ग्रुप बना लो, तुम चार बच्चे मिलके एक एग्जांपल दो, कौन सा खर्चा दिख रहा है आसपास में लगा हुआ है। क्या? अबे जल्दी बोल। क्या? सैलरी। चलो ठीक। किसने बोला बोए मोए बेटा? तेरे हाथ पैर तो मेरे को दिख रहे, तो क्या ऐसा है जो तेरे पास नहीं है, तेरे को मोए मोए करना पड़ रहा? क्या? चलो सैलरी। सैलरी खर्चा है क्या? मेरी सैलरी, रुद्रा की सैलरी, क्या सैलरी एक खर्चा है? बोलो हाँ है ना, चाहे ना के बराबर है फिर भी खर्चा है कि नहीं? सैलरी हो गई, पीछे के चार लोग बोलेंगे एक खर्चा। क्या? इलेक्ट्रिसिटी। मैंने थोड़ा हाई फाई लैंग्वेज में बोला, तुम्हारा थोड़ा गावटी लैंग्वेज, ठीक है? खर्चा है कि नहीं है? ऑनलाइन वाले बच्चों आप बोलो अब, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, ठीक है? पीछे वाले बोलेंगे सर 2 करोड़ सैलरी आपकी, बड़ा कसम से आपके मुंह में घी शक्कर। मेरे को लोग बोलते हैं ना कितना अमीर बनना है, मैं बोलता बस जितना मेरे स्टूडेंट्स और मेरे दोस्त सोचते हैं कि मैं अमीर हूं, बस उतना ही अमीर बनना है, और कुछ नहीं बन चाहिए बेटा। रुद्रा की ज्यादा है सैलरी बेटा, मेरे को पता है, ये बोलने का क्या, ये तो मेरे को पता है। हाँ, दाल चावल पापड़ पानी। हाँ, क्या रेंट खर्चा है क्या? मान लो ये प्रीमाइसेस रेंट पर है, कैसी है बेटा? रेंट पर है तो रेंट भी एक खर्चा है क्या? बहुत अच्छे बेटा, यहाँ के चार बोलेंगे। अरे कोई भी खर्चा आसपास में देखो ना, आसपास में देखो कोई भी खर्चा, इधर मत देखना। क्या सेटअप बोले तो? क्या बेंच? सर बेंच एक आप मुझे बताओ, मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं। किसकी बेटा? रेवेन्यू की। सर आप बोल रहे हो जो बेंच है, टीवी है, कैमरा है, क्या इसके लिए भी हमने खर्चा पे करा है? बोलो हाँ है ना। लेकिन बताओ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है? घड़ी घड़ी करूंगा कि कभी कभी करूंगा? और एक बार खर्चा कर दिया तो क्या वो खर्चा मुझे एक ही साल के लिए फायदा देगा या 4, 5, 6 साल के लिए फायदा देगा? तो सर ये एक्सपेंडिचर तो है लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को पीएनएल में लाने के लिए हम लोग क्या चार्ज करते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन। क्या चार्ज करते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल ले लो, एसी मैंने खरीदा 50,000 का। कितने का खरीदा बेटा? 50,000 का। अब मैंने इस साल में एसी खरीदा, फायदा कितने साल देगा? कितने साल फायदा देगा? मान लो 5 साल। कितने साल देगा? 5 साल। और 5 साल बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला है तो क्या ओवर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स ये एसी की वैल्यू 50,000 से कम हुई है? मतलब हर साल कितने से कम हुई है? 10,000। कितने से कम हो रही है? 10,000। तो क्या ये 10,000 जो हर साल असेट की वैल्यू कम हो रही है, क्या मैं ये भी ऐसा खर्चा बुक करता हूं? और ये जो मैं खर्चा बुक करता हूं इसको अकाउंट्स की भाषा में क्या कहा जाता है बेटा? डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन भी एक खर्चा है? बहुत अच्छे बेटा, है डेप्रिसिएशन भी मैंने खर्चा लिख दिया, ठीक है? ये 4 से आ गया, पीछे वाले बताएंगे। क्या सर नोट्स प्रिंटिंग एक खर्चा हो गया? क्या आपको हार्ड कॉपी नोट्स प्रोवाइड करी गई है? ऑनलाइन वालों को अभी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करी जाती है, लेकिन
अगर वो लोग ऑर्डर करते हैं तो बुक्स देनी पड़ती है क्या? अब बुक्स में वो जो नीचे वाला एक ही पुणे वाला है वो मेरा रिश्तेदार है क्या? क्या मेरा होने वाला रिश्तेदार है क्या? मैंने मुक्के मार रहे हैं। अगर किसी ने भी नीचे जाके ऐसी बातें निकाली, अगर काउंटर में जाके बोला कि मोहित सर ने भेजा है स्पेशल डिस्काउंट चाहिए, कार्तिक को बोलो चलेगा, आसपास में जाना नहीं। अब ध्यान से सुनो, मेरे ऊपर ही आते सालों, बोलो मेरे रिश्तेदार है कि नहीं है? अरे होने वाले भी अभी भी है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? नहीं है? अरे देख के रखा है, तुम काहे चिंता करते हो? मेरे रिश्तेदार है क्या बेटा? इसके लिए बोल रहा हूँ, रिश्तेदार है कि नहीं है? नहीं है। अब ध्यान से सुनो, बुक्स प्रिंटिंग का पैसा लेते होंगे कि नहीं लेते होंगे? हमारे लिए खर्चा है कि नहीं है? है। अरे अभी काहे नहीं लेंगे? वो तो नहीं भी लेंगे तो बाद में नहीं लेंगे ना, अभी लेते कि नहीं लेते? चलो बुक्स, बुक्स प्रिंटिंग, चलो बुक्स प्रिंटिंग हो गया क्या? पीछे क्या बोलेंगे? अरे कोई भी खर्चा बोलो बिंदास। क्या? हाँ सर, वाईफाई का खर्चा है। क्या बात बोलिए बेटा, वाईफाई का खर्चा है कि नहीं है? एक तो हाई स्पीड वाला, हाई स्पीड वाला वाईफाई लेना पड़ता है क्या? अगर सिर्फ क्लास के काम आए तो लो स्पीड वाईफाई भी चले, लेकिन सब बच्चे भी यूज करते हैं। इसके लिए कौन सा वाईफाई लेना पड़ता है बेटा? हाई स्पीड वाईफाई। चलो वाईफाई भी एक खर्चा है, चलो ठीक। वाइफ नहीं बोल रहा हूं बेटा, वाईफाई बोल रहा हूं। चलो ये हो गया पीछे वाले मोए मोए। अरे लाइट तो हो गया ना, इलेक्ट्रिसिटी में आ गई ना। हाँ क्या? अरे बहुत है, अभी तो बहुत आने हैं, सबके आने हैं। क्या ये कलर? क्या चीज? पेंट वगैरह? अरे वो पेंट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिप्रिसिएशन में आ गया पूरा। रेवेन्यू खर्चे बता क्या? अबे तो कैमरा भी तो कैपिटल ही है, तो रहने दो फिर। चलो इधर से, पते की बात करिए बेटा। तो जैसे कि मैं आप लोगों को पार्टी देता हूं, चलो ठीक है, जैसे कि आपको आशीष सर पार्टी देते हैं, जैसे कि आशीष सर अच्छे हैं, एक रीजन वही बोल रहे थे, ये सारे मेरे से पार्टी मांगते, मैं पढ़ाई नहीं रहा आप ही जाओ। मैं तो पार्टी नहीं, मैं तो एक ही चीज बहुत अच्छे से देता बेटा, गोली। अरे गोली बेटा मस्ती नहीं, रिफ्रेशमेंट एक खर्चा हो गया क्या? बच्चे बहुत खराब, कुछ भी हुआ सर आपका बर्थडे पार्टी दे दो, मोदी सर को उनकी बीवी का बर्थडे पार्टी दे दो, अगले साल से उनकी बेटी का बर्थडे पार्टी दे दो, सब चीज की पार्टी होना। बोलो हाँ है ना। अब पार्टी में क्या क्या आएगा बोलो, मंगवाना क्या है, क्या खाना है बेटा पार्टी में? पिज्जा खाना है और क्या खाना है? अरे बोलो क्या खाना है? मोमोज खाने हैं क्या और क्या खाना है? जो खाना है खाओ बेटा, लेकिन सबसे पहले खायली पुलाव खाने मिलेंगे। बोलो क्या खाना है? क्या चखना चाहिए क्या? पापड़ पानी का बंदोबस्त करवाए सबके लिए, सब आगे के रिफ्रेशमेंट में। बोलो पीछे वाले और क्या क्या खर्चा है? अरे बहुत खर्चे है रे, तुम रेवेन्यू देखते, खर्चे तो देखते ही नहीं तुम, खर्चे बताओ क्या? एडवर्टाइजमेंट, हाँ सर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा लगता है कि नहीं? आशीष सर का इंस्टाग्राम पे ऐड देखा है कि नहीं? सीएमए यूएस वाला देखा कि नहीं? फॉर एवरी कॉमर्स ग्रेजुएट द मस्ट एंड कंपल्सरी कोर्स सीएमए यूएस देखा है कि नहीं? यस यू हर्ड दैट राइट, देखा है कि नहीं? वो बोलते हैं ना क्या क्या, तो बोलते हैं मस्त बोलते हैं आशीष सर। अरे देखो तुम इंस्टाग्राम पे, तुमको आना चालू हो जाएगा। लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न, यस यू हर्ड इट राइट, आशीष सर बोलते कि नहीं? आप ध्यान से देखो, वो जो इंस्टाग्राम है वो मार्क जुकरबर्ग है, मेरा रिश्तेदार है क्यों? सबको मेरा रिश्तेदार बना लो। बोलो मार्क जुकरबर्ग मेरा रिश्तेदार है क्या? दूसरा, काफी सारे इंस्टाग्राम के चैनल्स है, अब ये लोग हमारी फ्री में एडवर्टाइजमेंट करेंगे, पैसा लेंगे? आप ध्यान से बोलो, ये जो तुम प्रेस्टीज पॉइंट पे ऊपर आते हो तो आते जाते हो, बैनर दिखता कि नहीं इधर?
अपर सर का पहले शिक्षा फिर गुरु दक्षिणा दिखता कि नहीं दिखता? सीएमए यूएस में दो फिरंगी लोग दिखते कि नहीं दिखते? अब आप ये जो बाहर एआई रहे, देख लिया करो रोज के रोज, है ना, देख तो लिया करो। हाँ इधर देखो, क्या ये एक तरीके की एडवर्टीजमेंट है? बोलो पैसा लगता कि नहीं लगता? तो ये भी क्या हो गई बेटा, कॉस्ट हो गई। ये भी क्या हो गई बेटा, कॉस्ट हो गई। बोलो हाँ है ना। इधर वाले बताएंगे बेटा, अगले बार जब भी एग्जाम्पल देंगे ना इधर से चालू करेंगे, मेरे को पता है इधर आने तक खत्म हो गए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा हिंट देता हूं तुमको। सर क्या बात है बेटा, सर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो क्या? अब तुम मेरे को बोलो, ये जो लेक्चर्स है अपने, एनक्रिप्टेड लेक्चर्स मिलते हैं कि ओपन लेक्चर्स मिलते हैं? एनक्रिप्टेड मतलब तुम नॉर्मल अपने वीएलसी मीडिया प्लेयर में, नॉर्मल वीएलसी मीडिया प्लेयर में देख सकते कि यूनिक अकेडमी के प्लेयर में ही देखना पड़ता है? अब बेटा जी यूनिक अकेडमी के प्लेयर में देखना है तो वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी है क्या वो मेरी रिश्तेदार है? अबे कितने रिश्तेदार बनाओगे रे? तुमको क्या मैं टीचिंग लाइन का हार्दिक पांड्या दिख रहा क्या? मतलब तुमको क्या लग रहा मेरे को नया नया मुंबई इंडियन ने कैप्टन बनाया तो मेरे कर्म भी हार्दिक पांड्या जैसे ही है? आप ध्यान से सुनो कि ये जो ऐप है, क्या ऐप में हमको हर बच्चे को सीरियल की अलॉट करनी पड़ती है? अब ये जो ऐप में बच्चे को सीरियल की अलॉट होती है, एक तो फिक्स्ड हमको एनुअल चार्जेस लगते हैं, दूसरा पर सीरियल की अलॉटेड हमको फीस लगती है। बोलो हाँ है ना। एनक्रिप्शन चार्जेस जो होते हैं, तो ये जो सीरियल की कॉस्ट है, क्या ये भी हमारे लिए कॉस्ट होती है? यस। और बोलो बेटा कितने हो गए खर्चे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक खर्चा और बता दो, 10 पे खत्म करते हैं। हाँ सर मेंटेनेंस चार्जेस, ए झाड़ू वाड़ू नहीं मारते क्या क्लास में? नहीं नहीं मारते, फिर क्या तुमको क्या लेटा लेटा के थोड़ी साफ करा, इतने साफ कैसे रहते? क्या तू काहे की कंप्लेन करता, तू तो खुद 4 दिन नहीं नहाता क्या? मतलब मैं क्या आके देखूं अभी? चलो और एक कौन सा है बेटा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। बोलो हाँ है ना। नहीं हो गए हो, सब आ गए मिसलेनियस में। अब ध्यान से देखो, ये सारे के सारे कॉस्ट लिखे गया। अब सारे बच्चे बोलोगे जितने भी मेरे कॉस्ट होते हैं ना बेटा, ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं बेटा? दो तरीके के। एक होता है बेटा वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान से सुनोगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक कौन सा होता है बेटा, और दूसरा कौन सा होता है? फिक्स्ड कॉस्ट। पहला कौन सा होता है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा कौन सा होता है बेटा? बोलोगे पहला कौन सा होता है? सारे बच्चे बोलोगे सर प्राइस में आईफोन देते हो, वो भी तो एक्सपेंडिचर है बेटा, हमारे बड़े सर देते हैं, सौमिल सर। मैं नहीं देता हूं बेटा, चाहे सौमिल सर और मैं दोनों सिंधी है, लेकिन वो मेजोरिटी सिंधी है बेटा, माइनॉरिटी वाले सिंधी हम कुछ नहीं देते। वी ओनली बिलीव इन इनफ्लो, आउटफ्लो ओनली दुआ है। अब ध्यान से देखो, एक्सपेंडिचर दो तरीके के, एक कौन सा होता है बेटा? वेरिएबल, और दूसरा क्या होता है? फिक्स्ड। आप मुझे बताओ हमारे जो रेवेन्यू सेंटर है, रेवेन्यू सेंटर मतलब अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो यूनिट्स बेचकर पैसा कमाती है, हम लोग जो पैसा कमाते हैं क्या पर स्टूडेंट बेसिस पे कमाते हैं? बोलो हाँ है ना। क्या हम लोग रेवेन्यू स्टूडेंट से ही कमाते हैं? तो ध्यान से सुनो बेटा, अगर मेरा जो खर्चा है वो टोटल कितना लगेगा इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। और अगर मेरा जो खर्चा है इररिस्पेक्टिव ऑफ कितने भी स्टूडेंट्स आए, एक स्टूडेंट आए, 10 स्टूडेंट आए, 100 स्टूडेंट आए, 1000 स्टूडेंट आए, अगर वो खर्चा फिक्स रहने वाला है तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? फिक्स कॉस्ट। सारे बच्चे साथ में बोलोगे, आप मुझे बताओ जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज होने से कॉस्ट चेंज होगी? अगर स्टूडेंट्स कम तो ये खर्चा भी कैसा लगेगा, और अगर स्टूडेंट्स ज्यादा तो ये खर्चा भी कैसा लगेगा? ज्यादा। बोलो हाँ है ना। इसको क्या कहा जाता है? वेरिएबल। बेटा दुनिया कहती है नाम में क्या रखा है, हम तो बोलते हैं बेटा नाम में ही सब कुछ रखा है। वेरिएबल मतलब क्या? वेरी होने वाला। वेरिएबल मतलब क्या? वेरी होने वाला। तो अगर मेरा जो खर्चा है अगर ये चेंजिंग यूनिट्स के हिसाब से क्या होता है बेटा? वेरी होता है, तो इसको क्या कहा जाता है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा, अगर मेरा जो खर्चा है अकेडमी लेवल पे
एक बच्चा है, 10 बच्चे आए, 100 बच्चे आए, 1000 बच्चे आए, अगर मेरी वो कॉस्ट सेम लगनी है तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। बोलो हाँ है ना। अब हम लोग सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स हम लोगों ने लिख लिए, क्या एक एक करके हम सारे एक्सपेंडिचर्स को बोल सकते हैं कि कौन से एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है और कौन से एक्सपेंडिचर वेरिएबल है? बोल सकते हो क्या? सबसे पहले एक एक खर्चे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सैलरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? सैलरी। अब सैलरी मान लो रुद्रा की सैलरी, ठीक है, मेरा छोड़ो, मेरा कुछ नहीं, बात किसकी करते हैं बेटा? रुद्रा की। अब आप मेरे को बताओ, रुद्रा ये जो क्लास में आता है, सेटअप चालू करता है, क्या उसके लिए सैलरी लेता होगा? यस। रुद्रा नीचे जाता है, लेक्चर खत्म होने के बाद एनक्रिप्शन करता है वो और ड्राइव पे अपलोड करता है। बोलो हाँ है ना। अब आप मेरे को बताओ, अभी ऑनलाइन में मान लो 500 प्लस स्टूडेंट्स है, ऑफलाइन में 100-150 जो भी बच्चे, अब मान लो ये 150 की जगह पर अगर मान लो कल जाके 500 बच्चे बैठते हैं, क्या रुद्रा का काम उतना ही है? क्या रुद्रा उतनी सैलरी कमांड करेगा? यस। दूसरा, कल जाकर 200 में से एक ही बच्चा आके बैठता है क्लास में, फिर भी क्या रुद्रा की सैलरी उतनी है? क्या रुद्रा का काम उतना ही है? क्या रुद्रा मुझसे उतनी सैलरी चार्ज करेगा? मतलब इन शॉर्ट आप मुझे बताओ, जो रुद्रा की सैलरी है, विल दैट डिपेंड अपॉन क्लास में कितने बच्चे बैठ रहे हैं, या वो तो सेम ही रहने वाली है? एक बच्चा बैठा तो भी रुद्रा की सैलरी, दो बच्चे बैठे तो भी, 100 बैठे तो भी, 500 बैठे तो भी, तो रुद्रा की सैलरी कौन सा खर्चा हो गई बेटा? फिक्स कॉस्ट। क्या हो गई बेटा? फिक्स कॉस्ट। बोलो समझ में आया क्या? अब इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी बात करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिसिटी की। अब आप मेरे को बताओ, ये जो मैंने प्रोजेक्टर चालू करा है, ये जो मैंने लाइट चालू करी है, कल जाके अगर 10 ही बच्चे ऑफलाइन में आते, फिर भी मेरे को उतना ही खर्चा लगने वाला है क्या? 100 बच्चे आते हैं तो भी उतना ही लगता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर इलेक्ट्रिसिटी तो वेरिएबल होगी ना, बिकॉज वो आप जितने यूनिट्स कंज्यूम करोगे उसके हिसाब से लगेगी। मैं यूनिट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैसे बात कर रहा हूं कि मैं अभी ऑनलाइन में हमने क्लासेस रन करी है, ये जो सिस्टम चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है क्या? अब आज ऑनलाइन में कितने बच्चे बैठे? 500+ बैठे। कितने बच्चे बैठा बेटा? 500+। अगर ये 100 होते इलेक्ट्रिसिटी उतनी कंज्यूम होती थी क्या? 5000 होते इलेक्ट्रिसिटी उतनी कंज्यूम होती थी क्या? बोलो हाँ है ना। मतलब सर वेरिएबल तो वो डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स कंज्यूम्ड है, लेकिन मेरा यूनिट सेंटर क्या है? स्टूडेंट्स। तो आपको क्या याद रखना है, अगर चेंजिंग स्टूडेंट्स के साथ ये खर्चा चेंज होगा तो ये वेरिएबल है, अदरवाइज ये कौन सा है? फिक्स्ड है। आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिसिटी, अगर इस क्लास में 10 भी बच्चे बैठे होते क्या उतना ही लाइट लगनी थी? प्रोजेक्टर वही चालू होना था क्या? कंप्यूटर सेटअप उतना ही लगना था? मतलब ये खर्चा चेंज होता कि नहीं चेंज होता? तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई बेटा? फिक्स कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट हो गई बेटा? बोलो समझ में आया क्या? इसके बाद बात करेंगे बेटा रेंट की। ये प्रीमाइसेस मान लो रेंट पर है, ठीक है। अब मान लो महीने का 50,000 रेंट जाता है, ठीक है, कितना जाता है? 50,000 रुपया। अब पूरे क्लास में बच्चे बैठे हैं, फुल फ्लेज्ड क्लास चल रही है, दिन में 15-15 घंटे की क्लास चल रही है, क्या जो हमारा लैंडलॉर्ड है वो आके बोल सकता है क्या कि यार दिन में 15 घंटे क्लास चल रही है, आशीष सर आप तो बढ़िया कमा रहे हो, रेंट ज्यादा दो, बोल सकता है क्या? दूसरा, हमने ना एक क्लास में क्लासेस ली नहीं, पूरे महीने बस दिन के 2 घंटे क्लास होती थी, उसमें भी बस 3-4 ही बच्चे आते थे, क्या लैंडलॉर्ड हमको बोलेगा सर जी आपकी ना हालत बहुत खराब है, आप एक काम करो मुझे कम रेंट दो? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मतलब ये खर्चा डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट्स चेंज होने वाला है कि नहीं चेंज होने वाला है? एक बच्चा पढ़ाऊंगा तो भी 50,000, 5 बच्चे पढ़ाऊंगा तो भी 50,000, 100 बच्चे पढ़ाऊंगा तो भी 50,000, 500 बच्चे पढ़ाऊंगा तो भी? सर 500 बच्चे कैसे बैठेंगे? क्लास में कल बताया था ना, कैसे बैठेंगे बेटा? गोदी में, ठीक है, ही ना अपना यूनिक अकेडमी फॉर, तो बैठ सकते ना। अब ध्यान से देखो, क्या रेंट का खर्चा फिक्स्ड है क्या? बोलो ये कौन सा कॉस्ट हो गया? फिक्स कॉस्ट हो गया। इसके बाद बात करोगे बेटा डेप्रिसिएशन की। एसी चालू करा सर हमने, 2 बच्चे हवा खा रहे हैं, 5 बच्चे हवा खाएंगे, 10 खाएंगे, 50 खाएंगे, क्या डेप्रिसिएशन उतना ही लगना है? क्या डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो डेप्रिसिएशन भी कौन सा है मेरा? फिक्स कॉस्ट। बुक्स प्रिंटिंग की बात करो बेटा, ये एग्जांपल मेरे दिल के काफी करीब है। किसकी बात करेंगे बेटा? बुक्स प्रिंटिंग की। किसकी बात करेंगे बेटा? आप ध्यान से देखो, एक बच्चा आया,
मान लो पर स्टूडेंट हमारी बुक प्रिंटिंग की कॉस्ट लगती है 3000 रुपए। कितनी लगती है बेटा पूरे सेट की? 3000 रुपए। तो एक बच्चा आया तो कितनी कॉस्ट लगेगी? 3000। 10 बच्चे आए तो 30,000। 100 बच्चे आए तो 3 लाख। 1000 बच्चे आए तो 30 लाख। मतलब आप मुझे बताओ, जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं क्या ये खर्चा भी बढ़ रहा है? टोटल खर्चा, जैसे मेरे बच्चे बढ़ रहे हैं क्या ये खर्चा भी बढ़ रहा है? और जैसे बच्चे कम हो रहे हैं क्या ये मेरा खर्चा भी कम हो रहा है? मतलब क्या मैं खर्चे को देखकर डायरेक्टली बोल सकता हूं कि ये खर्चा मुझे बच्चों की वजह से लग रहा है? अगर बच्चे बढ़ेंगे तो ये खर्चा भी, और अगर बच्चे घटेंगे तो ये खर्चा भी, अगर बच्चे नहीं आएंगे तो ये खर्चा भी नहीं लगेगा। तो ये कौन सा कॉस्ट हो गया बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। बिकॉज जो कि ये खर्चा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरी हो रहा है। ये स्टूडेंट्स क्या हो रहा है बेटा? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरी हो रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। बोलो हाँ है ना। इसके बाद बात करेंगे बेटा वाईफाई की। किसकी बात करेंगे? वाईफाई की। अब आप मेरे को बोलो, मैंने वाईफाई सेटअप किया है? बोलो हाँ है ना। इधर वाईफाई सेटअप है कि नहीं है? है। अब आप मेरे को बोलो, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में 10 बच्चे आ रहे हैं फिर भी वाईफाई लगना ही है क्या? और क्या भाड़ा उसका उतना ही जाना है? हमारा तो अनलिमिटेड वाला प्लान है। अब क्या एयरटेल कंपनी मेरे को ऐसा बोलेगी, सर आपने ना अनलिमिटेड वाला प्लान लिया था, आपने ये महीने 700 GB कंज्यूम करा तो आप इतना दो, आपने 1000 GB कंज्यूम करा तो इतना दो, या मैं तो कितना भी कंज्यूम करूं, जो मेरा महीना जाना है वो तो फिक्स जाना है, फिक्स जाना है। मतलब क्या ये खर्चा डिपेंडिंग अपॉन कंजम्पशन या डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज होने वाला है? नहीं चेंज होने वाला है। बोलो चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये कौन सा खर्चा है? फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सा खर्चा है बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट। बोलो मोटा मोटी लॉजिक चमक रही गया। इसके बाद बात करेंगे बेटा रिफ्रेशमेंट की। किसकी बात करेंगे बेटा? रिफ्रेशमेंट मतलब पिज्जा खाओगे क्या? अरे पूछ नहीं रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। पिज्जा खाओगे क्या? आप ध्यान से देखो, पिज्जा मंगवाना है सबके लिए, 100 बच्चे, कितने बच्चे बेटा? तो कितने पिज्जा मंगवाएंगे? 100। पर स्टूडेंट एक मंगवाना है? अरे बेटा तुम्हारे रूममेट्स के लिए, तुम्हारे परिवार वालों के लिए नहीं देना है, सिर्फ तुम्हारे लिए। बोलो 100 बच्चे है तो कितने पिज्जा मंगवाएंगे? 100 मंगवाएंगे। अब आप मेरे को बोलो, अगर ऑनलाइन वाले बच्चों, मैं आई कैन रिलेट टू यू, बट ठीक है ना, कोई बात नहीं, इनका फीस ज्यादा है, ठीक है। आप ध्यान से सुनो कि ऑफलाइन वाले बच्चों को हमने पिज्जा पार्टी दी। किस चीज की पार्टी थी बेटा? पिज्जा पार्टी थी। अब ध्यान से सुनो, पिज्जा पार्टी थी, अगर ऑफलाइन क्लास में 50 बच्चे रहेंगे कितने पिज्जा मंगाओगे? 50। 100 बच्चे रहेंगे तो? 500 बच्चे रहेंगे तो? अबे 1000 कैसा, 500। बोलो कितने? 1000। कितने मंगवाएंगे बेटा? 1000। बोलो हाँ है ना। मतलब इन शॉर्ट जितने बच्चे उतने पिज्जा मंगवाने पड़ेंगे क्या? कम बच्चे है तो पिज्जा भी कितने? ज्यादा बच्चे है तो पिज्जा भी कितने? मतलब क्या ये खर्चा डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट चेंज होगा? और बचपन में अपने को, तुमको याद है कि ऐसा होता था कि तुम रोज स्कूल में जाओ, कुछ हैपनिंग नहीं होगा, और एक दिन तुम स्कूल को छुट्टी मारो, तुम अगले दिन जाओ, अरे कल तो स्कूल में क्या मजा आया था, कल तो मैथ्स की टीचर नहीं आई थी, तो वो टीचर, वो पीरियड भी अपने को पीटी के लिए मिल गया था, फिर पीटी पीरियड में फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ। बोलो हाँ है ना। ऐसे तुम्हारे साथ होगा बेटा, ऑफलाइन क्लास को मिस नहीं करना। मैं तो बहुत खराब आदमी हूं, मैं देखूंगा जिस दिन कम बच्चे उसी दिन पार्टी दे दूंगा। नहीं आज कम नहीं है बेटा, मैं देखूंगा जिस दिन कम बच्चे मैं उसी दिन पार्टी दे दूंगा, ताकि नाम भी हो जाए मोहित सर ने पार्टी दी थी, और तुमको ऐसा गिल्ट भी रहा यार, रोज जाना चाहिए था यार। सर टॉपिक के ऊपर कब आओगे आप बेटा? ये टॉपिक ही चल रहा है, तुमको तुमको क्या लग रहा है मैं तुमको जीवन का ज्ञान दे रहा हूं? मैंने मुक्के मारने बेटा। अपना कैसा है ना, अपना सटली चैप्टर के अंदर घुस जाएंगे, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि चैप्टर के अंदर घुस रहे, सटली ठीक है, चैप्टर की बात कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो, रिफ्रेशमेंट की बात करेंगे। एक बच्चा है तो कितने पिज्जा? अबे दो नहीं, एक। एक बच्चा है तो कितने? एक। 10 बच्चे है तो? 10। 100 बच्चे है तो? मेरी आवाज आती बाइक में 100। 500 बच्चे है तो? 500 पिज्जा। बोलो हाँ है ना। अब बोलो ये खर्चा क्या डिपेंडिंग अप, अरे क्या तुम मेरा दिल देख रहे क्या? एक बच्चे को दो तो? बोलो एक को कितने? 2। 100 को कितने? 500 को कितने? कौन से बोलने में पैसे लग रहे? बोलो ये कौन सा खर्चा हो गया बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। कौन सा खर्चा हो गया बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद बात करेंगे बेटा एडवर्टीजमेंट की। किसकी बात करेंगे बेटा?
एडवर्टीजमेंट की। अब इंस्टाग्राम चैनल पे एडवर्टीजमेंट करवाई, क्या वो एडवर्टीजमेंट है? आते जाते तुमने बैनर देखे पहले शिक्षा फिर गुरु दक्षिणा, क्या वो एडवर्टीजमेंट है? सीएमए यूएस का बढ़िया सा प्रोग्राम करवाया था, एडवर्टीजमेंट रुकनी नहीं चाहिए बेटा। सीएमए यूएस का बढ़िया सा प्रोग्राम करवाया था, क्या वो भी एडवर्टीजमेंट है? अब बोलो कल जाके सीएमए यूएस में कितने एडमिशन होते हैं, क्या वो खर्चा हमारा लग चुका है? क्या डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये कॉस्ट चेंज होने वाली है कि नहीं चेंज होने वाली है? नहीं चेंज होगी। तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट हो गई बेटा? समझ में आया क्या? बच्चा लोग आखिरी के दो एग्जांपल, सीरियल की अलॉट करना पड़ता है, बोलो हाँ है ना? एक बच्चा मान लो सीरियल की कॉस्ट हमारी पर स्टूडेंट 500 रुपए, कितनी बेटा? 500 रुपए। एक एडमिशन आता है तो कितनी लगेगी? दो एडमिशन के 10 एडमिशन के 5,000, 100 एडमिशन के 50,000, बोलो हाँ है ना? मतलब क्या ये कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स चेंज हो रही है? अब इसमें भी दो कॉस्ट है बेटा, एक तो हमको जो एनुअल मेंटेनेंस देना पड़ता है ये तो फिक्स कॉस्ट है, और एक कॉस्ट लगती है जो पर सीरियल की जाती है। तो मैं सिर्फ सीरियल की बात कर रहा हूं, है ना? ये कैसी कॉस्ट है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज ये नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से क्या होती है बेटा? चेंज होती है। तो इसको क्या कहा जाता है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहा जाता है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। लास्ट में बात करेंगे बेटा मिसलेनियस एक्सपेंसेस की या रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की। मान लो एक क्लास की क्लीनिंग के खर्चे की बात करते हैं, ठीक है? अब ये जो क्लास के क्लीनिंग का खर्चा है, एक भी बच्चा आया तो भी क्लीनिंग करवानी पड़ेगी क्या? मावशी आके बोलेगी क्या? आओ साहेब पुढच्या महिन्याला ना 10 मुलं होते तर त्यांनी गंदगी कमी केली तर या महिन्याचे कमी पैसे द्या, ऐसे बोलेंगे क्या वो? ऑनलाइन वाले बच्चों, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, क्या मावशी हमको बोलेगी पिछले महीने 10 बच्चे थे तो उन्होंने गंदगी कम करी तो उनका सफाई का पैसा कम? तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और बोलेंगे पिछले क्लास में 100 बच्चे थे, बहुत ज्यादा गंदगी करी उन्होंने तो ज्यादा सैलरी दो, ऐसा होगा कि उनको तो पैसा फिक्स जाना है? तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई बेटा? फिक्स कॉस्ट हो गई। कौन सी कॉस्ट हो गई बेटा? फिक्स कॉस्ट हो गई। बोलो सारे के सारे बच्चे लॉजिक चमका गया? कॉस्ट कौन सी होती है बेटा? दो तरीके की कॉस्ट होती है। बोलो कौन से तरीके की कॉस्ट होती है? दो तरीके की। एक कौन सी होती है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। दूसरी कौन सी होती है बेटा? फिक्स कॉस्ट। बोलो हाँ है ना? अब ये बुक में लिखोगे, आ जाओ बेटा लिखो, लिखना चालू करो। एक लिखोगे आप वेरिएबल कॉस्ट। सर हेलो कैन यू हेल्प मी कॉन्टेक्टिंग फैकल्टी रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। बड़ा ऑफिस में कॉन्टेक्ट करो, ठीक है? हाफिस में कॉन्टेक्ट करो बड़ा। ऑनलाइन वाले बच्चों वीडियो लाइक काहे नहीं कर रहे हो, पहले तो तुम ये बोलो, तुम्हारे पैसे कट रहे क्या वीडियो लाइक करने के? सर मुझे आपसे बात करनी है बेटा, नंबर होगा कॉल कर लेना सेशन के बाद। क्या काहे? हाँ तो रिकरिंग है हर महीने का, या मान लो पर पोस्ट का खर्चा फिक्स है, लेकिन क्या वो बच्चों के हिसाब से चेंज हो रहा है? काहे ऐसा थोड़ी रहता? तुमको क्या लग रहा? तुम मेरे को बोलो। अब मैं रीसेंट मुद्दों पे बात करता हूं बेटा। यूनिक अकेडमी अच्छे खासे बच्चे पढ़ा रहा कि नहीं पढ़ा रहा? पढ़ा रहा, फिर भी एडवर्टीजमेंट कर रहा कि नहीं? हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार अभी अच्छे खासे बच्चा का एडवर्टीजमेंट कम करो? नहीं रे, बढ़ाओ रे। अरे और बढ़ाओ, इतने एडवर्टीजमेंट से 100 आ रहे क्या? और एडवर्टीजमेंट करके 500 लाओ, सीधी बात है कि नहीं? और एडवर्टीजमेंट बेटा दो तरीके की होती है, एक तो एडवर्टीजमेंट हम करते हैं और एक तो एडवर्टीजमेंट हमारे बच्चे नहीं करते हैं बेटा। समझ नहीं रहे हो तुम? एक तो एडवर्टीजमेंट हम करते हैं और एक तो एडवर्टीजमेंट हमारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जाकर एडवर्टीजमेंट करते हैं, बोलो हाँ है ना? बिकॉज तुमको पता है कि एडवर्टीजमेंट दो तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव एक होती है, लेकिन नेगेटिव एडवर्टीजमेंट भी होती है क्या? अब क्या करेंगे बेटा, करना पड़ता है, दुकानदारी है सबकी। एमवे वर्सेस रफ्तार तो हर किसी ने देखा ही है। अब वही बात वैसी है कि सोचने में आता है कि यार ठीक है कि रफ्तार ने बोला तो एमवे को भाव मिल गया, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इधर से नहीं मिलेगा, ठीक है? हाँ बस क्या बात है बेटा, चलो समझ में आ रही क्या? ठीक है, बाकी ऑनलाइन वाले बच्चों अपना काम कर देना, ठीक है? क्लिप विप काट के, ठीक है?
समझ में आ गया क्या? अब ध्यान से देखो, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है फिक्स कॉस्ट, बोलो हाँ है ना। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि जो पर एक तो इन टोटैलिटी, किसकी बात करते हैं बेटा, इन टोटैलिटी, आप मुझे बताओ क्या इन टोटैलिटी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है? सबसे पहले फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं, बोलो फिक्स कॉस्ट इन टोटैलिटी चेंज होती है कि सेम रहती है? सेम रहती है, मतलब क्या ये डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट चेंज होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है, मतलब अगर एक बच्चा पढ़ाओ तो भी रेंट कितना, 50,000, 100 बच्चे पढ़ाओ तो भी 50,000, 200 बच्चे पढ़ाओ तो भी 50,000, मतलब क्या मेरी फिक्स कॉस्ट इन टोटैलिटी सेम रहती है? बोलो हाँ है ना। लेकिन आप मुझे बताओ जो वेरिएबल कॉस्ट है क्या ये इन टोटैलिटी चेंज होती है, और किसके हिसाब से चेंज होती है? चेंजेस विथ चेंज इन आउटपुट, बोलो हाँ है ना। अब किसी प्रोडक्शन एंटिटी है तो उसका आउटपुट क्या हो सकता है? यूनिट्स हो सकता है। हमारे लिए मेजरमेंट यूनिट क्या है बेटा? स्टूडेंट्स है, बोलो हाँ है ना। तो आप मुझे बताओ रेंट 50,000 लगना है, एक बच्चा है तो भी 50,000, 10 बच्चे है तो भी 50,000, 100 बच्चे है तो भी 50,000, बोलो हाँ है ना। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें, जैसे कि बुक्स प्रिंटिंग की कॉस्ट है, तो एक बच्चों की 3,000 है तो 10 बच्चों की कितनी, 30,000, 100 बच्चों की कितनी, 3,00,000, 1,000 बच्चे है तो कितनी, 30,00,000, बोलो हाँ है ना। मतलब क्या ये इन टोटैलिटी आउटपुट के साथ चेंज हो रही है? तो इसको क्या कहा जाता है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहा जाता है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद बात करते हैं पर यूनिट की, ठीक है। इसके बाद किसकी बात करेंगे बेटा, पर यूनिट की। अब आप मुझे बोलो जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है ये सेम होती है कि चेंज होती है? सोच समझ के बताना। एक यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट है, क्या बोल रहा हूं मैं, एक यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है कि वेरिएबल होती है? सेम होती है। मतलब एक बच्चे का 3,000, अगले बच्चे का भी कितना, टोटलिटी में चेंज हो रही है, लेकिन पर यूनिट एक बच्चे का 3,000 ही है क्या? 10 भी बच्चे आ गए तो पर स्टूडेंट कितना, 100 बच्चे भी आ गए तो पर स्टूडेंट कितना, 1,000 बच्चे भी आ गए तो पर स्टूडेंट कितना? मतलब आप मुझे बताओ क्या ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है? बोलो भाई, क्या ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है? लेकिन बताओ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, बदलती है। कैसे बदलेगी? आप मुझे बताओ मेरा रेंट कितना है, 50,000 रुपए, ठीक है। हाउ मच इज माई रेंट बेटा जी, 50,000 रुपए। अब अगर एक बच्चा आ रहा है तो पर स्टूडेंट रेंट कितना हो गया, 50,000 रुपीज, बोलो हाँ है ना। अगर 10 बच्चे आ गए तो क्या मैं यही 50,000 को डिवाइड बाय 10 करूंगा क्या? अरे पर स्टूडेंट देखो लगती तो इन टोटैलिटी है, लेकिन जब मैं अलोकेट करता हूं तो एक बच्चे पे अलोकेट करूंगा तो कितनी होगी पर स्टूडेंट, 50,000। अगर 10 बच्चों पे अलोकेट करूंगा तो पर स्टूडेंट कितनी हो गई, 5,000, बोलो हाँ है ना। अगर यही मैं 100 बच्चों पे अलोकेट कर रहा हूं तो पर स्टूडेंट कितनी हो गई बेटा, 500। मतलब इन शॉर्ट आप मुझे बताओ क्या फिक्स कॉस्ट इन टोटैलिटी सेम रहती है? लेकिन क्या डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम मैं जितनी फिक्स कॉस्ट अपोर्शन करता हूं क्या वो चेंज होती रहती है? तो आप मुझे बताओ ये क्या है, चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट, बोलो हाँ है ना। ये टेबल बना लो बेटा, ये टेबल आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, बहुत ही। लिख लो बेटा ये। ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो क्या बोलना है आपका, अभी अगले 5 मिनट आपके लिए। सर वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स अनचेंज बट टोटल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली चेंजेस, फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट रिमेन अनचेंज बट अलोकेशन डिपेंडिंग अपॉन आउटकम। बेटा राघव क्या बोला है आपने, एक ही तो दिले बेटा, कितने बार जीतोगे? बेटा जी वीडियो लाइक कर लो, ऑनलाइन वाले है ना। जो थी पहले नफरतें, जो थी पहले गालियां, ये लिख लो बड़ा है ना, ऐसा का ऐसा। आज जो है तारीफ है, आज वही तालियां, एक बार हो जाए तो बता देना है ना। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया, यूट्यूब के थ्रू नया परिवार है बना लिया।
छोटी सी उम्र में, छोटू मेरा सर। अलोकेट मतलब, अलोकेट मतलब बांटना, जैसे कि आप मुझे बोलो अलोकेट मतलब अभी किसी दोस्त के बर्थडे पे जाना है, ठीक है, किसका बर्थडे मनाना है बेटा, किसका बर्थडे भी आने वाला है कुछ दिनों में, अरे पार्टी नहीं मांगेंगे बता दो, कब आ रहा बेटा, ए सही बोलो रे, मैं क्लास में हैप्पी बर्थडे गवा दूंगा, मैं बर्थडे बम दिलवा दूंगा, क्या कब है बेटा, 15 जनवरी को मैडम का बर्थडे है। अब अपन ने डिसाइड करा कि, अपन ने मतलब मैं आई एम आउट, तुम लोगों ने डिसाइड करा कि मैडम के लिए क्या करना है, केक लेके आना है, क्या करना है बेटा, केक लेके आना है। और कुछ कुछ तो लड़के रहेंगे, अब कुछ लड़के क्या रहता ना, वो अपना दिमाग लगाते, बोलते नहीं नहीं वील मेक हर फील स्पेशल, तो अपन क्या करेंगे ना, अपन उसके फोटो वाला केक लेके आएंगे, कौन सा लेके आएंगे, अरे मैंने सब देख चुका हूं बेटा, इसके लिए मान लो केक कितने के आ रहा बेटा, 2000 रुपए का, कितने का केक आ रहा, 2000 रुपए का। आप सीधी बात है बेटा, ये जो 2000 का केक है, क्या ये फिक्स कॉस्ट है, अब लोग जो भी लाना है क्या करते, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जमा करते। अब अलोकेशन मतलब क्या हो गया, 2000 रुपए लगे, अगर 20 बच्चे आए तो पर बच्चे को केक का कितना पैसा लगेगा, 100 रुपए, वहीं पे 40 बच्चे आ गए 50 हो गया, वहीं 10 बच्चे आए तो कितना, 200, मतलब क्या केक की भी फिक्स कॉस्ट हो गई क्या, इन टोटलिटी वो सेम है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन जितने स्टूडेंट्स है, अलोकेशन मतलब बांटना, अलोकेशन मतलब बांटना, तो जितने बच्चे ज्यादा उतनी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, तो एक तरीके का अलोकेशन मतलब बेटा आप कंट्री समझ सकते हो, ये एज में आप कंट्री के साथ ज्यादा रिलेट करोगे, ठीक है सर। 2000 का केक पूरे गांव को नहीं खिलाने बेटा आता है, अरे पुणे में बेटा केक इतने महंगे है, तुम अच्छी जगह से जाके लो, वो बोलते हैं ये केक लेके जाओ जायदाद देखी जाओ, क्या बेटा 6000 का कौन सा ही केक आता, उसने ही बोला ना, मैं पहचान गया उसको, बेटा तेरे लिए तो 6000 का केक भी वेस्ट ही है, लोग जनरली क्या करते, केक आता उसको काटते, दूसरा थोड़ा थोड़ा दूसरों को खिलाते, तेरे केस में तो तेरे को पूरा ही केक दूसरों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा क्या हो चुका है बेटा, मोए मोए। बेटा लेवरेज चैप्टर है, ठीक है, बोलो समझ में आया क्या बेटा। ओए वो तो एक ऐसा होता है कि तीर होता है, एक तो होता है तीर लेना, एक तो होता है उड़ता हुआ तीर, और उससे भी ऊपर आता है बेटा भाला, उससे ऊपर क्या आता है बेटा। और कुछ कुछ जो बच्चे होते हैं बेटा, कुछ कुछ बच्चों की मेंटेलिटी कैसी होती है पता ही क्या, तुमको फिल इन द ब्लैंक्स करना नहीं है, लेकिन बस दिमाग में सोचना है, बोलो आया ना। कुछ कुछ बच्चों की मेंटेलिटी क्या होती है, वो बोलते हैं ओ लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, ओ लकड़ी क्यों पड़ी हो आजा, बस बोलो समझ में आया क्या। इसके लिए मैं बहुत खराब आदमी, समझ में आया बेटा। अब ध्यान से देखो, वेरिएबल कॉस्ट और हमने कौन सा देखा, अरे बोलो रे, इतना कभी तूने आंसर में जवाब दिया था क्या, वेरी गुड बेटा, लव यू। अब ध्यान से देखो, अरे नहीं नहीं कोई नहीं बेटा, मेरे को बस मीठा खाने में ही पसंद है, और नहीं ये और बेटा और ये टीवी भी एलजी टीवी का नहीं है। अब ध्यान से देखो, दो तरीके की कॉस्ट होती है, सेल्स तो हमको पता है, कॉस्ट होती है दो तरीके की, बोलो एक कौन सी होती है, वेरिएबल कॉस्ट, दूसरी कौन सी होती है, अगर मेरी जो कॉस्ट है वो डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट चेंज होती रहती है तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, और अगर मेरी जो कॉस्ट है वो डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट चेंज नहीं होती है तो इसको क्या कहा जाता है बेटा, बोलो लॉजिक समझा क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स सेम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स सेम, बट वेरिएबल कॉस्ट इन टोटलिटी क्या होती है बेटा,
चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन आउटकम। इसके बाद अगर बात करेंगे फिक्स कॉस्ट की, किसकी बात करेंगे बेटा, फिक्स कॉस्ट की, तो फिक्स कॉस्ट में जो फिक्स कॉस्ट होती है वो इन टोटलिटी कैसी रहती है बेटा, सेम रहती है, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है क्या वो चेंज होती है, और वो कैसे चेंज होती है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन आउटपुट। बोलो डिपेंड अपॉन द चेंज इन आउटपुट। एग्जाम्पल समझ में आया क्या? अब न्यूमेरिकली हम लोग इस पर जा सकते हैं क्या? आ जाओ, हम बात करते हैं कंपनी की, ठीक है? हम किसकी बात करेंगे बेटा, एक कंपनी की। इनकम स्टेटमेंट के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, सेल्स आएगा। बोलो हाँ है ना। अब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बता दो। सेल्स में मान लो एक कंपनी ने 1000 यूनिट्स बेचे, कितने थाउजेंड बेचे, 1000 यूनिट्स, और एक यूनिट हम लोग 100 रुपए में बेच रहे, कितने में, 100 रुपए में। सारे बच्चे अपना कैलकुलेटर भी साथ में रखोगे, ठीक है? कैलकुलेटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर चैप्टर 19 का टेस्ट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन बेटा होंगे, काहे चिंता कर रहे हो। सर लेवरेज का एक्चुअल मीनिंग एक्सप्लेन करो बेटा। लेवरेज का एक्चुअल मीनिंग अभी एक्सप्लेन करूंगा तो नहीं समझेगा, तुम चिंता मत करो बेटा। किस चीज को किस स्पीड में लेके जाना है सब पता है मेरे को, तुम बस करते चलो पढ़ाई। तुम बेटा कसम से इतनी खराब सोच वाले बच्चे हो ना, पहली बार मेरे को ऐसा देख के हैरानी हो रही, जो शक्ल से ज्यादा खराब सोच है बच्चों की। अब आवा तुम्हारी शक्ल अच्छी है तो सोच भी अच्छी है ना, ऐसा सोचो बेटा। बोलो सेल्स कितना है, अमाउंट बोलो, अमाउंट भटकाओ मत मेरे को। 1 लाख कितना हो गया बेटा, 1 लाख। बोलो हाँ है ना। सेल्स में से क्या लेस करोगे बेटा, वेरिएबल कॉस्ट। अब आप मुझे बोलो वेरिएबल कॉस्ट मेरी पर यूनिट कितनी थी, मान लो 60 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या, बनाने की कॉस्ट आ गई क्या? मैं एक यूनिट जो बनाता हूं, हर यूनिट बनाने की मुझे कॉस्ट कितनी लगती है बेटा, बनाने की कॉस्ट 60 रुपए। बेचने की सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपए। बनाने की कॉस्ट कितनी लगती है, 60 रुपए। बोलो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 60,000 होगा क्या? चेक करो क्या आपने क्या करा। मैंने तो आपको इंटू 1000 करने के लिए नहीं बोला था, आपने क्यों इंटू 1000 करा? बिकॉज सर ये वेरिएबल कॉस्ट है ना, जैसे यूनिट्स बदलेंगे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, और जैसे यूनिट्स कम होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा। अब ये 60 रुपए पर यूनिट है क्या, जैसे मेरे 1000 यूनिट्स हो गए मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, इंटू 1000। बोलो हाँ है ना। कितना हो गया, 60,000 रुपीज हो गए क्या? अब मैंने सेल्स में से कौन सी कॉस्ट लेस करी है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। कितना आ रहा है बचा हुआ, बोलो अमाउंट, 40,000। कितना आ रहा है बेटा, 40,000। अब ये 40,000 को कहा जाता है बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन। इस 40,000 को क्या कहा जाता है बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन। सर इसको कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों कहा जाता है, 2 मिनट दो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? इस 40,000 को क्या कहा जाता है बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन। अब मेरे को सेल्स में से प्रॉफिट पे जाना है तो क्या लेस करना पड़ता है बेटा, कॉस्ट लेस करनी पड़ती है क्या? और कॉस्ट में सिर्फ एक कॉस्ट आती है कि दोनों कॉस्ट आती है, वेरिएबल कॉस्ट भी आती है क्या, फिक्स कॉस्ट भी आती है क्या? अभी तक मैंने सिर्फ कौन सी कॉस्ट लेस करी है बेटा, और एक कौन सी कॉस्ट मुझे लेस करनी है, करूंगा क्या मैं लेस, करो बेटा लेस फिक्स कॉस्ट। आप लेस करोगे बेटा फिक्स कॉस्ट। कितनी फिक्स कॉस्ट है, मान लो 20,000। कितनी है बेटा फिक्स कॉस्ट, 20,000। अब आप मुझे बोलो फिक्स कॉस्ट, अब मैंने 1000 यूनिट्स बनाए, 500 यूनिट्स बनाता तो भी कितनी फिक्स कॉस्ट लगती, 20,000। 10,000 यूनिट्स बनाता तो भी कितनी फिक्स कॉस्ट लगती, 20,000। बिकॉज क्या मेरी फिक्स कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट चेंज होती है कि चेंज नहीं होती है, क्या ये सेम रहती है, बोलो हाँ है ना। तो आप बोलो मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटाया, मतलब आप मुझे बोलो क्या मैंने वेरिएबल कॉस्ट भी हटा दिया, क्या मैंने फिक्स कॉस्ट भी हटा दिया, बोलो हाँ है ना। मैंने वेरिएबल कॉस्ट भी हटा दी और मैंने फिक्स कॉस्ट भी हटा दी, अब क्या बचा, प्रॉफिट। सिंपल है, अब क्या बचा बेटा, प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट बताइए, 20,000। बोलो समझ में आया क्या? ये बेसिक इनकम स्टेटमेंट है, काफी डिटेल में होता है, मैंने आपको बेसिक बता दिया। मैंने क्या करा बेटा, मेरे को पता है सेल्स माइनस कॉस्ट क्या होता है, प्रॉफिट। मैंने कॉस्ट को दो तरीके में तोड़ा, कौन से, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में। बोलो हाँ है ना। अब ये मैंने कितने यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करा है बेटा, बताओ, 1000 यूनिट्स का। आप एक काम कर सकते हो क्या बेटा, आप इसी के जस्ट बाजू में कंसिडर करो कि मैंने 2500 यूनिट्स बेचे, कितने यूनिट्स बेटा, 2500।
अब ये 2500 यूनिट्स अगर मैं बेच रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा जल्दी से निकाल कर दो, और एक एक बच्चा मुझे लिखकर कैलकुलेट करके बताएगा, ठीक है? सर फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज क्यों होती है? बेटा फिक्स कॉस्ट टोटल में नहीं चेंज होती है, फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है। साहिल जी फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में चेंज नहीं होती। लिखकर करो बेटा, ठीक है? और ये पहला वाला भी लिख लो बेटा। सीधी बात है, जितनी किताब अभी प्रॉपर मेंटेन रहेगी ना उतना बाद में काम आएगा। अभी किताब ऊपर ऊपर से मेंटेन करोगे बाद में प्रॉब्लम आएगी बेटा जी। 80,000 आ रहा है क्या? लिखकर करो बेटा सारे के सारे। सब कुछ धुंधला धुंधला। सर ऑपरेशनल अप्रोच पूरा रिपीट करवाएंगे क्या बेटा? ये ऑपरेशनल अप्रोच नहीं है, ये इनकम स्टेटमेंट तो कॉमन ही लगती है। कल से बेटा अपन ऑपरेशनल अप्रोच से थोड़ा बाहर निकलेंगे ना। आज जिसने भी ऑपरेशनल अप्रोच देखा उसको तो लग रहा है सेम चल रहा है, लेकिन कल से नए टोन पे जाएंगे अपन। बोलो कितना आ रहा है बेटा? अरे कितना आ रहा है? सारे बोलो जोर से बोलो। एक बार मुझे सेल्स बता सकते हो क्या बेटा कितना है? कितना है बेटा? कैसे निकाला बेटा आप लोगों ने? ये 2500 into 100 कितना हो गया बेटा सेल्स? 2.5 लाख का। सेल्स में से क्या लेस करोगे? जब 1000 यूनिट्स थे तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 60,000। जैसे ही 2500 यूनिट्स हो गए तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 1.5 लाख। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अब ये लॉजिक समझा क्या? 60 की 1.5 लाख क्यों हुई? बिकॉज जैसे यूनिट्स बदलते हैं वैसे मेरे वेरिएबल कॉस्ट भी बदलती है। बोलो तो 2.5 लाख में से 1.5 लाख हट गए तो बोलो कंट्रीब्यूशन कितना बचा? 1 लाख। बोलो कितना कंट्रीब्यूशन बचा है बेटा जी? 1 लाख। बोलो हाँ है ना। अब ध्यान से देखो, 1 लाख में से अगर मैंने यूनिट्स 1000 की जगह पर 2500 बनाए, कितने यूनिट्स बनाए बेटा 1000 की जगह? 2500। तो मेरे कितना फिक्स कॉस्ट होएगा? 20,000। मतलब सर मैं जितने भी यूनिट्स बदल लू क्या मेरी फिक्स कॉस्ट 20,000 ही लगनी है? हर केस में 20,000। बोलो हर केस में कितनी लगनी है बेटा? 20,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? 80,000। अब ध्यान से देखो बेटा कि आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा ना, सर ये कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या? सर ये कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? समझ में आ रहा है कि इसको ये कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? आप मुझे बोलो, हम जनरल टर्म में कॉन्ट्री ये वर्ड यूज करते हैं क्या? किस चीज के लिए यूज करते हैं? अभी हमने केक का एग्जाम्पल लिया था बेटा कि 20 लोग आएंगे तो पर पर्सन 100 रुपए की कॉन्ट्री लगेगी, 40 लोग आएंगे तो पर पर्सन 50 की कॉन्ट्री लगेगी, 10 लोग आएंगे तो पर पर्सन 200 रुपए की कॉन्ट्री लगेगी। अब ये कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा? ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट। ये तो उतनी लगनी है, एक यूनिट बनाऊंगा तो भी कितनी लगेगी? 20,000। 100 यूनिट बनाऊंगा तो भी 20,000। 1000 बनाऊंगा तो भी 20,000। 2500 यूनिट्स बना दिए फिर भी 20,000। मतलब बोलो क्या ये कॉस्ट मेरी उतनी की उतनी लगनी है? तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है ना, ध्यान से देखो, पर यूनिट में बेच कितने में रहा हूं? 100 रुपए में। बोलो मैं हर यूनिट कितने में बेच रहा हूं? 100 रुपए में। मेरा हर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बेटा? 60 रुपए में। मतलब हर यूनिट मुझे कितना कमा के दे रहा है? 40 रुपए। सोच समझ के बताओ, एवरी यूनिट दैट आई एम प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग उसको मैं बेच कितने में रहा हूं? 100 रुपए में। मुझे वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है बेटा? 60 रुपए की। मतलब हर यूनिट मुझे कितना कमा कर दे रहा है? और क्या हर यूनिट आकर बोल रहा है ये रहे मेरे 40 रुपए, ये रहे मेरे 40 रुपए, ये रहे मेरे 40 रुपए? तो क्या हर यूनिट मेरा तोड़ तोड़ तोड़ा अमाउंट फिक्स कॉस्ट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ध्यान से देखो, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? एक यूनिट बेचा तो एक यूनिट ने कितना कंट्रीब्यूट किया फिक्स कॉस्ट के लिए? 40 रुपए। और एक यूनिट बेचूंगा तो वो भी यूनिट कितने कंट्रीब्यूट करेगा? 40। और एक बेचूंगा तो वो भी कितने कंट्रीब्यूट करूंगा? 40। मतलब क्या हर यूनिट जो बिक रहा है वो 40 40 40 40 रुपए मेरे फिक्स कॉस्ट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा? कंट्रीब्यूशन। क्यों कहा जा रहा है बेटा कंट्रीब्यूशन?
बिकॉज सर मेरा फिक्स कॉस्ट तो उतना ही लगना है, और फिक्स कॉस्ट की भरपाई करने में मदद कौन कर रहे हैं बेटा मेरे, ये यूनिट्स मदद कर रहे हैं। अब ये यूनिट्स कितने की मदद कर रहे हैं? सर ये यूनिट ना एक यूनिट 100 कमा के दे रहा है, लेकिन उसके खुद के ही खर्चे 60 रुपए, तो वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहा है? 40 रुपए। तो अगर एक यूनिट 40 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो बाकी के सारे यूनिट्स मिलाकर मुझे किसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बेटा? फिक्स कॉस्ट। तो जितने भी यूनिट्स होते हैं उनका पहले कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट में जाता है, और जितना भी एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसमें चला जाता है? प्रॉफिट में। बोले समझ में आया क्या? 40 रुपए किसने कॉन्ट्रीब्यूट करा है बेटा? एक यूनिट ने। कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स तक जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पूरा किसमें जाता है बेटा? फिक्स कॉस्ट में। और उसके ऊपर का जो अमाउंट है वो किसमें चला जाता है बेटा? प्रॉफिट में कमा जाता है। बोले समझ में आया क्या? इन शॉर्ट बेसिक आपको इनकम स्टेटमेंट समझ में आया। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, फटाफट से हम लोग एक रिश्ता एस्टेब्लिश करेंगे एंड देन हम लोग आज का लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है? सबसे पहले आप मुझे बताओ कि चलो एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, ठीक है? आप ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला होता है बेटा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का। किसका फॉर्मूला बताऊंगा बेटा? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का। लिखो बेटा, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। बोलो हाँ है ना? अब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मतलब क्या? सेल्स का कितना परसेंटेज वेरिएबल कॉस्ट है, सेल्स का कितना परसेंटेज वेरिएबल कॉस्ट है। आप इधर मुझे चेक करके बताओ फर्स्ट केस में, ठीक है? जब मैं 1000 यूनिट्स बेच रहा था तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना था बेटा? 60,000 था क्या? बोलो वेरिएबल कॉस्ट कितना था मेरा? 60,000। और मेरा सेल्स कितना था? 1 लाख। सेल्स कितना था? 1 लाख। मतलब बोलो मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना था? 60% था क्या? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मतलब सेल्स का कितना परसेंटेज मेरा वेरिएबल कॉस्ट में जा रहा है। बोलो हाँ है ना? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मतलब सेल्स का कितना परसेंटेज पैसा मेरे वेरिएबल कॉस्ट में जा रहा है। अब आप मुझे ईयर टू का चेक करके बता सकते हो क्या? चेक करो बेटा, ईयर टू में मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा था? 1.5 लाख रुपए। और मेरा सेल्स कितना लग रहा है? 2.5 लाख रुपए। कितना है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो? अरे कैसे हुआ ये, कैसा हो रहा है ये? ईयर वन में भी 60% और ईयर टू में भी 60% कैसा आ रहा है? इसके पीछे कुछ लॉजिक है कि ये तो संजोग है? क्या लॉजिक है? अरे सर आप मुझे बताओ, ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती है ये कहां से आती है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट से। बोलो हाँ है ना? और टोटल सेल्स कहां से आता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। आप मुझे सोच समझ कर बताओ क्या नंबर ऑफ यूनिट्स कट हो जाते हैं क्या? 1000 यूनिट्स बनाओगे तो भी दोनों कट हो जाएंगे, 2500 यूनिट बनाओगे तो दोनों भी क्या हो जाएंगे? आपस में कट हो जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट रेशियो हमेशा क्या रहना है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब आप मुझे बताओ, मैं नंबर ऑफ यूनिट्स कितने भी बदलू, क्या मेरा वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट का 60 रुपए ही था? यस। मैं नंबर ऑफ यूनिट्स कितने भी बदल लू, क्या मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 रुपए ही था? यस। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी कितना आना है? 60 ही आना है। इसमें लॉजिक क्लियर है क्या? अरे बोलो सारे के सारे बच्चे, समझ में आया क्या? अंडरस्टूड? बोलो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो समझा गया? और कितने भी यूनिट्स बदल लो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो सेम होगा कि चेंज होता रहेगा? सेम होगा। क्यों सेम होगा? मैंने आपको लॉजिक बताया, बिकॉज हमेशा नंबर ऑफ यूनिट्स कट कर दोगे तो बचेगा क्या? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और ये तो कितने भी यूनिट्स बदल लो सेम ही होता है क्या? अब इसके बाद हमको और एक फॉर्मूला देखना है बेटा पीवी रेशियो का। किसका फॉर्मूला देखना है बेटा? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या बोला मैंने फॉर्मूला? सारे बच्चे साथ में बोलोगे। पीवी रेशियो मतलब क्या होता है बेटा? पीवी रेशियो का और एक नाम कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो भी होता है, ठीक है? पीवी रेशियो को और एक क्या कहा जाता है बेटा? कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो। तो सारे बच्चे बोलोगे पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। बोलो फर्स्ट केस में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया था? सारे बच्चे बताओगे 40,000 आ रहा था क्या? तो 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना हो रहा है बेटा परसेंटेज टर्म्स में? 40 हो रहा है क्या? ईयर टू का कैलकुलेट कर सकते हो क्या? बोलो ईयर टू में कितना आ रहा है मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन? अमाउंट बताओ
1 लाख आ रहा है और सेल्स कितना आ रहा है? 2.5 लाख। कितना आ रहा है पीवी रेशियो? अरे इधर भी सेम आ रहा है। फिर से बताओ, लॉजिक है कि संजोग है? क्या लॉजिक है बेटा? अरे सर काहे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, बोलो हाँ है ना। सेल्स क्या होता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर 1000 रहेंगे तो 1000 कट जाएगा, 2500 रहेंगे तो 2500 कट जाएगा, बचेगा क्या बेटा? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्या जब मैं 1000 यूनिट्स बेच रहा था तभी भी मैं पर यूनिट 40 का कॉन्ट्रीब्यूशन कमा रहा था क्या? और जब मैं 2500 बेच रहा था तब भी 40 रुपए का। जब मैं 1000 यूनिट्स बेच रहा था तब भी मैं एक यूनिट कितने में बेच रहा था? 100 रुपए में। और जब मैं 2500 यूनिट्स बेच रहा था तब भी मैं एक यूनिट कितने में बेच रहा था? 100 रुपए में। बोलो हाँ है ना। मतलब क्या इन शॉर्ट पर यूनिट कॉस्ट सेम है क्या? अब ध्यान से देखो, आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो समझ गया, आपको पीवी कॉस्ट रेशियो समझ गया। अब लास्ट चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं इस कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एंड पीवी रेशियो आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अनदर। एग्जाम्पल बताऊंगा, सारे समझ जाओगे। पहले लिख लिया क्या ये बोलो बेटा? पहले लिख लो बेटा। मेरी चा सर वेरिएबल कॉस्ट दोबारा से बताओ बेटा। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो वेरिएबल कॉस्ट में आप यूनिट्स कितने भी बदल लो क्या वो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो सेम ही रहना है? यस yes. क्यों सेम रहना है? बिकॉज दोनों फॉर्मूला में नंबर ऑफ यूनिट्स आते हैं ना, दोनों कट जाएंगे, अल्टीमेटली बचेगा क्या? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और ये तो चेंज होता नहीं है तो सेम ही रहता है। मेरा हिसाया चू है मुझ में समाया चू। बस करो आज के लिए बेटा, वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला लॉजिक समझाऊंगा, फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है? सर अलग अलग होता फिर क्यों होता है बेटा? अलग अलग हो ही नहीं सकता है। क्या नंबर ऑफ यूनिट्स बदलने से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होता है क्या? नहीं। क्या नंबर ऑफ यूनिट्स बदलने से सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज होता है क्या? नहीं। अब लास्ट लाइन लिखोगे बेटा, लास्ट लाइन क्या लिखोगे? लिखो बेटा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एंड पीवी रेशियो आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अनदर। क्या लाइन लिखा है बेटा मैंने? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एंड पीवी रेशियो आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब बताओ बेटा कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पता है क्या आपको? सर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरा करते हैं। बोलो हाँ है ना। बोलते हैं ना अपन यू कंप्लीट मी, सो वी बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। बोलो हाँ है ना। अब ध्यान से देखो, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आप मुझे बताओ इस केस में मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना परसेंटेज आ रहा था? 60%। और इस केस में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज पीवी रेशियो कितना आ रहा था? 40%। आप मुझे सोचकर बताओ, अगर एक मेरा 60% है दूसरा मेरा 40% है, दोनों मिलाकर कितना होगा? 100%। मतलब क्या दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर दिया? अब सोचो ना बेटा, मेरे सेल्स के ही दो हिस्से होते हैं। सोच समझ के बताओ, मेरे सेल्स के ही कितने हिस्से होते हैं बेटा? दो हिस्से। एक हिस्सा किस में जाता है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट में। और एक हिस्सा किस में जाता है बेटा? कॉन्ट्रीब्यूशन में। बोलो हाँ है ना। अब अगर सेल्स मेरा 100% है और इसी में से अगर वेरिएबल कॉस्ट में 70 चला गया तो कॉन्ट्री कितना बचेगा? 30। अगर वेरिएबल कॉस्ट में 80 चला गया तो कॉन्ट्री कितना बचेगा? अगर वेरिएबल कॉस्ट में 90 चला गया तो कॉन्ट्री कितना बचेगा? अगर कॉन्ट्री आप 50 का कमा रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट कितना? अगर कॉन्ट्री आप 40 का कमा रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट कितना? बोलो लॉजिक चमका क्या? मतलब इन शॉर्ट सेल्स के ही दोनों हिस्से हैं, तो अगर परसेंटेज टर्म्स में निकालोगे तो परसेंटेज का टोटल हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? 100 होना चाहिए। तो एक का 70 है तो दूसरे का कितना होगा? एक का 60 है तो दूसरे का, एक का 50 है तो दूसरे का, एक का 85 है तो दूसरे का। बोलो समझ में आया क्या? इसी के साथ फटाफट से 2-5 मिनट में जो भी आज का पढ़ा रिवाइज करेंगे, फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे। बोलो कौनो दिक्कत है क्या? जल्दी से बताओ सारे के सारे बच्चे कि हम लोगों ने देखा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? कितने तरीके की कॉस्ट होती है? दो। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है
फिक्स कॉस्ट, क्या फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी सेम रहती है? फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी क्या रहती है? सेम रहती है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स क्या अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट चेंज होती है? इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है क्या? लेकिन इन टोटलिटी डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम क्या होती है? चेंज होती है। इनकम स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आता है? सेल्स, सेल्स में से क्या लेस करते हो? वेरिएबल कॉस्ट। क्या आता है बेटा? कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का नाम कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों है? बिकॉज हर यूनिट जो मैं बेच रहा हूं वो थोड़ा 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 अमाउंट किसके लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? फिक्स कॉस्ट के लिए। इसमें से आप फिक्स कॉस्ट हटा दोगे क्या आएगा आपका? प्रॉफिट या तो लॉस आएगा, बोलो हाँ है ना। अगर फिक्स कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन से ज्यादा है तो क्या आएगा? लॉस आएगा, बोलो हाँ है ना। अब दो रेशियो देखिए, एक हमने देखा पीवी रेशियो, एक देखा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। क्या दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, और पीवी रेशियो का फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। क्या दोनों रेशियो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं क्या? आप मुझे बताओ, यूनिट चेंज होने से क्या ये रेशियो चेंज होंगे कि नहीं चेंज होंगे? यूनिट्स आप कितने भी बदल लो, ये रेशियो क्या रहने वाले हैं? सेम रहने वाला है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब दोनों का टोटल कितना होने वाला है? अगर एक का 70 तो दूसरे का, अगर एक का 80 तो दूसरे का, अगर एक का 90 तो दूसरे का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मतलब जाओ। तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे, कल मिलेंगे, इसी डिस्कशन को एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो कैसे? ऑनलाइन वाले बच्चों करेंगे आज का सेशन खत्म? अगर कौनो भी डाउट है तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। तनुश्री अभी 10 मिनट्स में कॉल कर लो फिर, बिकॉज 2 बजे मेरा दूसरा सेशन है ना। मेरा हिस्सा आया तू है बेटा, लाइक काहे नहीं कर रहे हो? 500 बच्चे देख रहे हैं, 270 ही लाइक से, ऐसा काहे कर रहे हो? सर इनकम स्टेटमेंट लेवरेज का पार्ट है बेटा, लेवरेज की जान नहीं है, लेवरेज की जान है इनकम स्टेटमेंट बेटा। लेवरेज कौन सा चैप्टर है बेटा? कैपिटल स्ट्रक्चर का ही एक हिस्सा है बेटा लेवरेज। सर कंट्रीब्यूशन का मतलब नहीं समझ में आया? कंट्रीब्यूशन मतलब हर यूनिट थोड़ा थोड़ा अमाउंट फिक्स कॉस्ट के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर क्वेश्चन कहां से करूं इस चैप्टर का बेटा? अभी क्वेश्चन मत करो, जब सही टाइम रहेगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है? सर ये ओल्ड वाले देख सकते हैं कि बेटा 100% देख सकते हो? सर यूनिट्स की हर ईयर में प्राइस चेंज नहीं होगी क्या बेटा? हर प्राइस में कंपनी चाहे तो सेलिंग प्राइस चेंज कर सकती है, ठीक है? क्या तो खत्म ही करना है? चाहत की मैंने देने क्या? वो तो डिपेंड तुम कौन से टाइम पे कॉल कर रहे। नहीं रे वो आएगा नहीं कल से, काहे मजे ले रहे हो उसके। चलो भाई करेंगे सेशन खत्म बेटा, जो भी दिक्कत है नीड नॉट वरी, कल के लेक्चर में करवा देंगे। सर एप्लीकेशन में लेक्चर डाउनलोड नहीं हो रहा है आपको बेटा, ये मेरा नंबर प्रोवाइडेड है। आप एक काम करो, कल आप लोग सॉरी आप एक काम करो, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करो कि क्या क्या आपको इश्यू आ रहा है, आई विल फॉरवर्ड इट टू द टीम, है ना? मैं टीम को फॉरवर्ड कर दूंगा। सर फिक्स कॉस्ट चेंज कब होती है बेटा? फिक्स कॉस्ट कैपेसिटी बढ़ाने पे चेंज होती है, सब देखेंगे। पहले दिन में ही कितना जान लोगे बेटा? सब बताऊंगा, आपकी उम्मीद से ज्यादा बताऊंगा, बस धैर्य बनाए रखो, रोज जितना पढ़ रहे उतना पढ़ते चलो, ठीक है? सर पीवी का फुल फॉर्म बेटा, पीवी का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम। पीवी सर चेंज पर यूनिट और टोटलिटी बता दो बेटा, नीड नॉट वरी, कल सब बता देंगे, ठीक है? कल आपको बता दूंगा। आज का सेशन बेटा पीवी का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम, ठीक है?
पीवी का फुल फॉर्म होता है बेटा प्रॉफिट वॉल्यूम, ठीक है? ठीक है बच्चे लोग, आज का सेशन करवा देंगे खत्म। आशीष सर आ गए बेटा दुबई से। चलो भाई करेंगे सेशन खत्म, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय बेटा, बाय 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 बाय। नाच कर बेटा, अभी नाच कर नहीं, अभी बाद में आराम से, अभी नहीं है बेटा, अभी नहीं, बाय बाय बाय। फिर और YouTube पे एक वीडियो आ जाएगा, है ना? चलो भाई करते हैं खत्म, बाय।